हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वर्ब द वर्ब लेकर आया हूँ। वर्ब मीन्स क्रिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना देर के हुए मैं शुरू करता हूँ। द वर्ब मीन्स क्रिया। द वर्ब इज दैट स्टेट सम एक्शन और पोजिशन अबाउट अ पर्सन और थिंग्स इन द सेंटेंस। क्रिया वह दशा है तो कोई एक्शन किसी व्यक्ति वस्तु की बात में एक्शन या स्थिति को बताती है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया के प्रकार, फर्स्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, द वर्ब्स दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसे किसी कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स, आई ईट एन एप्पल। इसमें ईट एक सकर्मक क्रिया है, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों नोट, क्या या किसे से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल सके तो सकर्मक क्रिया होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या का क्वेश्चन करके देख सकते हैं, मैं क्या खाता हूँ, और क्या का आंसर आपको मिल जाएगा कि मैं एप्पल खाता हूँ, सेब फल खाता हूँ। इसका मीन्स हुआ, यहाँ पर ईट एक सकर्मक क्रिया है, इस ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब इस अकर्मक क्रिया। यहाँ दोस्तों, अकर्मक क्रिया, द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल्स, शी गोज, वह जाती है। अकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दोस्तों, विशेष याद रखना है कि क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिलने की संभावना ना हो तो अकर्मक क्रिया होगी। दोस्तों, ऊपर अगर आप क्या या किसे का क्वेश्चन करते हो तो आपको सी गोज से इसका आंसर नहीं मिलेगा, अर्थात वो गोज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। थर्ड आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक। सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विथ मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, चीफली रिगार्डिंग द टाइम ऑफ एक्शन। डोंट वेस्ट टाइम। यहाँ दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ
मुख्य रूप से उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाती है। रिगार्डिंग द टाइम ऑफ एक्शन, जैसे समय की क्रिया, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ उपयोग की जाती है तथा उसके अर्थ को विशेष रूप से क्रिया के समय संदर्भ में पूर्ण करती है। अंग्रेजी में सहायक क्रियाएं 26 होती हैं दोस्तों। सहायक क्रियाएं आप जानते होंगे, डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को इसे भेजें, जिससे कि सभी का भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।